आप अपने बालों की बात कर रहे हो, ये तो मेरे पे आज फोकस नहीं बना रहा कैमरा। मेरी हालत ऐसी हो रही है कटे मुर्गे जैसी। हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस? आज मैं पता है ऐसे मैं बोल रही हूँ, हाउ आर यू, जैसे पहली बार इंग्लिश का वर्ड याद करके आई हूँ। सो गाइस, आज पहले तो हाय, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज छोटा रक्षाबंधन है, कल रक्षाबंधन बहुत बड़ा हो जाएगा और मज़ा भी आएगा हम सबको। वैसे रक्षाबंधन भाई के लिए होता है, बट हमारा तो कोई भाई है नहीं, ना हम कभी किसी को राखी बांधते हैं। तो गुन्नू और मैं आपस में राखी बांधते हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज कल रक्षाबंधन है तो आज गुन्नू के लिए कुछ किया जाए। और गुन्नू अभी 4:30 बज चुके हैं और गुन्नू भी स्कूल से नहीं आए, क्योंकि उसका इन्वेस्ट टीचर सेरेमनी है जो कि उसको होस्ट कर रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग अलाउड नहीं थे इसलिए हम लोग तो नहीं गए। पर कोई नहीं, क्या होता है, घर पे बुलवा लेंगे उसको, हमारी अपनी माल है, कभी भी बुलवा लो। पता है कितना टाइम हो गया जब से गुन्नू स्कूल जा रही है, मम्मी और मैं साथ में उसको स्कूल से लेके नहीं आए एक साथ। तो आज मम्मी घर पे थी, आज उनके ऑफिस की छुट्टी थी, तो हमने सोचा मम्मा और मैं दोनों जाएंगे और गुन्नू का रिएक्शन देखेंगे कि कैसा है। और उसके बाद यार कुछ ना कुछ तो गुन्नू के लिए खरीदना पड़ेगा। वो पता है उसको हर साल मैं पूछती हूँ, गुन्नू तुझे क्या चाहिए क्या चाहिए, बस वो एक ही चीज़ बोलती है, काना के लिए झूला ले आओ, काना के लिए कपड़े ले आओ। मैंने कहा काना के तो आएंगे हम, उनको भी राखी बांधते, पर खुद के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। ये लोग शायद थोड़ा सा छोटा बने, बट कोई बात नहीं, क्या हो गया है। चलो मम्मी, मेरे को ना दिमाग सड़ता है। कहाँ गई मम्मी? मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है, फोन बजता रहता है जब उठाते नहीं हो आप। और एक रीज़न और है मेरा जाने का भी गुन्नू को, कि मम्मी जो जा रही है ना, हमारी गंदी स्कूटी हो रखी है, खराब खटाड़ा, उस पे बैठ के जा रही है। और मुझे डर लगता है कि मम्मी कौन सा बचा लेगी जब कुछ होना होगा। स्टिल अगर कुछ होगा हम तीनों का साथ में होगा, मैं अकेली, तुम्हें कुछ हो गया, मैं अकेली कहाँ रक्षाबंधन मनाऊंगी। मेरे को भी होना चाहिए साथ में। मम्मी ये बताओ यार, गुन्नू को क्या देंगे यार? मम्मी हम कितने काले लग रहे हैं, उसे यहीं से लेके चलना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता यार, मम्मी खाना वाना भी खाएगी वो स्कूल से, पता नहीं खाया नहीं खाया, बाहर का खाती नहीं है, फिर ऐसे नहीं करना। पहले घर आएंगे, फिर खाना पीना खाएंगे, उसको कपड़े चेंज कराएंगे, फिर चलेंगे। और फिर मैं भी अच्छे से रेडी हो जाऊंगी, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। और कितना रेडी होगी तो पता नहीं, रेडी होगी भी ऐसे लग रही हूँ, रेडी नहीं हूँ, आप पे गई हूँ। मेरे बाल बांध दो पहले, पीछे से गोल लड्डू बना दो उनका अच्छे से, बहुत अच्छे से। ये तो जो मेरा पहले था ना, उससे भी भयंकर हाल बनाया है, समझ आई? चलो चलो चलते हैं जल्दी से, मैं अपना बटवा उठा लूं। अगर आप हमारे घर में आ रहे हो और चोरी करना चाहते हो तो हमारे पैसे इस वाली अलमीरा में रहते, ले लेना। कुकी, एक काम करते हैं, मुझे ना मम्मा फेस्टिवल वाइब्स बहुत अच्छी लगती है, जैसे ना दिवाली के आसपास होती है कि घूमो चिग्गे लो ऐसे। चिग्गे? अभी चिग्गे लेना चाहूंगी, बस चिग्गे लेने हैं। मतलब आज मेहंदी लगाएंगे, आज मेहंदी भी लगाएंगे, चलो चलते हैं। ऐसे दीदी चलो बताओ कौन सी वीडियो डिलीट हुई है आपको मेरी का? दीदी मुझे ना ऐसे ढीठ बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुंह पे बोलो। इनकी मेरे से क्लिप डिलीट हो गई, कौन सी क्लिप डिलीट हुई है? इंस्टाग्राम की? इंस्टाग्राम की तो वापस बना लूंगी आपकी कसम, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इतना नहीं डरते मेरे बच्चे। तो कौन सी वाली जो अभी तक डली हुई है, मुझे यहाँ पे बैठ के मेरी शूट करने के लिए पड़ेगा मुझे। क्या हुआ गुनगुन? क्या मैं कुछ देख रही हूँ, यहाँ पे तो राखियाँ भी है गुनगुन, बहुत प्यारी प्यारी सी। गाइज अभी हमने लाइफस्टाइल से मम्मी के लिए ये वाली कुर्ती लिया, पर मैं आपको कल दिखाऊंगी जब मम्मा उसको पहनेगी कि वो कैसी लगेगी, क्योंकि अगर अभी मैंने आपको दिखाया तो आप समझ जाओगे कि कुर्ती तो अच्छी, हमारी शक्ल अच्छी नहीं है। तो अगर हम अच्छे से तैयार होकर आपको दिखाएंगे। मम्मा के लिए तो मैंने ये लिया है, अभी गुन्नू के लिए भी मुझे पिंक और येलो कलर की कुर्ती पसंद आई है, पर मैं चुपचाप दूंगी, वो इसको अभी नहीं दिखाऊंगी, वो कल दिखाऊंगी। मेरे साथ एक चीज़ हो गई, ये लग गया मेरे हाथ में, अभी खुल नहीं रहा मेरी सब। रुको 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 दीदी, ये एक बार आपकी क्या करवा लिया तुमने? देख खून रुक रहा है ना। कैसे मम्मा क्यों निकाला, अभी सिंपैथी नहीं ले पाई, नाक में घुसा लेगी। मम्मी कह रही है इतनी बदतमीजी, सिंपैथी के लिए इसको नाक में भी घुसा सकती है। तो वी टुक द कुर्ती फॉर गुन्नू एंड फॉर मम्मा, मेरे को अपने लिए कोई पसंद नहीं आई, तो अभी हम फटाफट से घर जा रहे हैं। एंड वहाँ पे जाके सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है कि हम मेहंदी लगाएंगे। चलो, हमें थोड़ी सी भूख लग गई थी तो हमने सोचा कुछ छोटा मोटा खा ले, क्योंकि घर जाके तो खाना बनना ही है और वहाँ पे खाना ही है। पर गुन्नू के लिए कुछ और लेना पड़ेगा, बिकॉज वो अनियन गार्लिक नहीं खा रहे।
थैंक यू बस को आइसक्रीम खानी है तो मैं उसके लिए आइसक्रीम लेने आई हूँ वो मुझे पहले तो टेस्ट करनी है वो जो लास्ट वाली ना बेल्जियम चॉकलेट एक बार उसको टेस्ट करा एक स्कूप कर दो ज़्यादा डाल दो मेरा मन तो ऐसे कर और लड्डू बनाओ इसका बड़ा बड़ा लड्डू वेरी गुड बड़ा छोड़ो मत इसको छोड़ो यस गुन गुन दिस इज फॉर यू ये वही वाली है जब हम आए थे जो हमने खाई थी कॉर्न में बट वो अब कॉर्न इनके पास खत्म था तो हमें इसमें खानी पड़ी कॉर्न Are you happy? Of course. Thank you. क्या हुआ इन्होंने बिल्कुल साइड का बिच्छू कर दिया इन्होंने मुझे भी नहीं पूछा इनकी बहनों के मेरी को ना अपनी वीडियो में लिया चाहे गलत इंग्लिश बोलने के समझ आई अरे यार मेरे मुंह पे सारी जगह चॉकलेट लगी हुई बताना चाहिए गाइस मैं क्या बोल रही थी कि अभी हम लोग जा रहे हैं मिनीसो और लाइफस्टाइल और हर चीज़ वहाँ की 99 और हर चीज़ और अब हम देखेंगे क्या हो रहा है बस गाइस इतना अमीर होना है कि इसे ना चाट पाऊँ तो अभी क्यों चाट रही क्योंकि अभी गरीब हूँ ना इसलिए चाट रही हूँ ऐसे तो मुझे 3-4 गिफ्ट सुनो तो इसे क्यों देख के हंस रही थी पागल इसे कर क्या अगर मैं इसे पीटूंगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा देखो देखो मुझे एक खाया मम्मा मैं ये ले लूं ये पता क्या होता है जैसे आपने चिप्स खाए ना तो चिप्स को बंद करने के वो तो मैं रबर बैंड से भी कर सकती हो पर मैं ये लूं इसका क्या करूंगी इस पागल ऐसे नहीं दीदी कोई सामान गिर जाएगा तो इतने गुस्से में क्यों बोला दीदी अगर ये टूट गया ना आप किस बंदर के चक्कर में मेरी कसम ये चश्मा लगाओ अरे कुछ तुम चोरी करके बहुत अच्छी लग रही है बहुत अच्छी रौनक दीदी यू शुड नॉट बिहेव लाइक अ ढीठ बच्चा ओके कम कम माय डार्लिंग कम भैया मुझे देख लीजिए भैया 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 चार पांच चीजें डिजाइन से लिखी है मुझे बताना कौन कौन से अच्छे हैं ये तो मैं बनवाई रही हूँ रिंग फिंगर पे ठीक है ये हाँ वाओ ये बहुत अच्छे मैं भी बनवाऊंगी कलाई पे ठीक है वो आपकी कसम क्या आप बना सकती हो इसको ये गुनु सेम यार वही तो लेके आ रही है बार बार जम जाएगा इसका कलर प्लीज अच्छा तो नहीं इसे मत पूछ मम्मा कोई कपड़ा लाओ ये सूख जाएगा डर्टी नीचे बंद कर दे यार मैं ऐसे ही लगा पाती हूँ गुनगुन को आपने मेरी फिंगर डर्टी कर दी ये मत बनवा ये भारी है सबसे रुको मैं कुछ सिंपल सा आपको ना कुछ बेल बेल वाला डिजाइन चुप हे गाइस गुड मॉर्निंग आज नेक्स्ट डे ये देखो मेरी मेहंदी ये मैंने खुद लगाई है तो आप समझ सकते हो मैं कितनी मल्टी टैलेंटेड हूँ ये देखो एक सेकेंड इस पर फोकस अब आया ना ये देखो कितने प्यार से मैंने मेहंदी लगाई और यहाँ पे मैंने लिखा हैप्पी रक्षाबंधन गुनगुन गुनू भी तैयार हो चुकी है मम्मा भी तैयार हो चुकी है मम्मा आप इसमें क्यों घूम रहे हो स्कूल इसमें पजामे में जल्दी पहनो तो मुझे दिखाना है अपने गाइस को अभी तक ना हमने मिठाई खरीदी ना हमने राखी खरीदी तो हम दोनों ही चीज़ खरीदने के लिए भी जा रहे हैं बट मैं सोचूं कि पहले तैयार हो जाऊं मैं भी फिर खरीदूं क्या बोलते हो आप लोग ठीक है बाय भगो भी यहाँ से
चटनी खाओ, एक लो। कितनी सारी चटनी ये मेरी है। दांत खराब हो जाएंगे। वैसे यार पहले मम्मी, यार ये मम्मी देखिए पहले कैमरा निकाल के पड़ जाती है। देखिए पहले खाना अच्छा आने उनके लिए तो खोल दी। तो गाइज आज दीदी नहीं आ रही है तो रौनक दीदी यहाँ की सफाई करी, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। अपने घर का क्या मॉडल है, तो इसमें बुरा क्या है? मैं सब कुछ करूंगी पर बैलकनी में झाड़ू नहीं मारूंगी पहले। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और मम्मा आप मेरा सूट ड्रेस कर दो, मैं नहा के आती हूँ। जाओ चलो बाय। पर मम्मी इधर तो दिखाओ, अपने कपड़े तो दिखाओ एक बार ही खड़े होके। मम्मी ऐसा लग रहा है पर जो कल वाला आपने सूट पहना था ना वही है। चुप रहे। पर वो मीशो का था, ये डिफरेंट है। दिखाओ मम्मी दूर से खड़ी होके दिखाओ, इंस्टाग्राम की वीडियो बना लूँ ऐसे करके। मम्मी आप क्यों अच्छी लग रही हो, इट्स नॉट लाइक दैट, अच्छी लग रही हो। बट ये चीज करो ना, एक बात तो सुनो, इधर देखो बिंदी बिंदी तो लगा लो आप। तो ऐसी लगा लूंगी ना, तो मेरे पीछे की पड़ रही है। जाके कौन देख। मम्मी यार वही, फिर इसके नीचे स्पोर्ट्स शूज भी पहन लो फिर। पागल छोड़ो, अभी चलो जल्दी से। अभी गाइज हम जा रहे हैं और राखी लेके आ रहे हैं। गाइज मैं ऐसी लग रही हूँ, ये जो मैंने जयपुर में सूट पहना था मैंने यही वाला पहना है, मुझे पसंद है। कपड़े हैं ये भी एक ही बार पहना है इसीलिए। चलो सो गाइज आई एम रेडी एंड लड़ करूंगा ठाडे तू वो जगी ठाडे। गुन्नू इज ऑल्सो रेडी। दूसरी लड़कियों को देख के कह रही है मुझे कि ये, मैंने कहा मम्मी मैं अच्छी नहीं लग रही, कह रही तेरे पे एक ही चीज जा रही है, हर दिन चंगे तो हर के दिन नंगे। इतनी गंदी लग रही हूँ क्या मम्मी? माना मेरे सूट में छेद है पर क्या हो गया, एक ही बार तो पहना है। तो यार यहाँ से मैं गंदी तो नहीं लग रही गाइज, मुझे बताओ। ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है सारी, इसमें देख लीजिए। गाइज आखिरकार इन्होंने अपनी हद दिखाई दी, ली दस वाली है तो दस की भी दस ली है। ठीक है तो हम क्या बाहर सड़े मरे यहाँ पे आई। इधर देखो मेरी खुशी है। ब्लॉगर हो गए भी बिल्कुल पैसे बचाते हैं, दो दो रुपए भी। ये पता है मैंने यार दक्ष पहन के रखेगा, तू नहीं पहन के रखेगी इसलिए इसके लिए 2 रुपए का धागा नहीं है। कोई बात नहीं। पहली बार रक्षाबंधन की शॉपिंग करके कैसा लग रहा है? मम्मी कह रही शॉपिंग शॉपिंग बड़ा, ये भी अभी यही दिलाए रसगुल्ले वसगुल्ले काजू कतली तो दिलाई नहीं। बारिश होगी आ गए हैं पापा, अब तो थोड़ी सी बहस हो रही थी तो पापा मम्मी को मनाने आए हैं। ऐसे नहीं यार, चलो फिर जल्दी हक करो, जल्दी से हक 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 करने। मुझे अच्छा लगा। मम्मी रोना नहीं, अब लड़ोगे? सॉरी मांगो, कार पकड़ो। मुझे अच्छा लगा। चलो अब राखी बांधो सब। पापा को बांधोगे अब? पैसे बांधोगे? मैं से राखी बांधोगे चुपचाप? चलो बांधो। नीचे से घुमा के ऊपर गांठ लगा दे, इसे गांठ ही नहीं आती बांधनी मोटी को नीचे से। मम्मी मैं मजाक करती हूँ यार, ये सीरियस हो जाती है खाने के चक्कर में, टीका लगा रही है इनको। यार ये क्या टीका लगाया, बनाया दीदी आपने? घर से उंगली डाल के देखना किसको लगेगा। कोई नहीं, खुश हैं ये, बहुत तेज हंस रहे हैं। मम्मी आप पापा को ऐसे मत छेड़ो, एक बार उन्होंने छेड़ दिया ना फिर भागोगी। अरे यार ये मत खिला, पूरा खा लो। बात ओहो बाती मेरा डिबिया चमक मेरी बाती काहे उसका बिल्कुल सही पकड़ा। आपकी कसम 2 रुपए की है। तो क्या हो गया यार दक्ष? अच्छा उसके लिए मैं अच्छी राखी आई हूं। दक्ष बोलो मेरा भाई खुश है, ठीक है खुश रहो। एकदम राखी रखे थे, ओहो 500 और दो, कम से कम 1000 तो दो। मांगा देखना मम्मी लालची बंदे से केस किससे लिया कर दो ना एक बारी। तो ठीक है 500 तो दो, 1000 में हो गया। उस बिल्ला के लाभ आपने लगी इसे चक्कर में, आधा खा लिया था शुगर हो जाएगी ऐसे नहीं। चुप रहे, अच्छा अब तो रसगुल्ले की आड़ में आ रही हूँ। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और बस हम इतना ही शूट कर पाए क्योंकि जिस दिन त्यौहार होता है आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपनी फैमिली को टाइम देना होता है। जैसे मेरी मम्मी दे रही है अभी एकदम से ऐसे सो के,
तो अभी हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे थे एक दूसरे के साथ, बस निकल गया। अभी मुझे गुन्नू के लिए गिफ्ट भी लेके आना है। मैं सोच रही हूँ उसको स्कॉन से कुछ तो अभी दिला नहीं पाई, उसके लिए जूते ऑर्डर किए हैं पर वो 3-4 दिनों तक आएंगे। तो सोच रही हूँ उसको स्कॉन में एक बुक चाहिए थी बहुत क्यूट सी राधा की, वो दिलाऊँ। बट अगर वो उसका भी व्लॉग शूट करूँगी तो फिर ये व्लॉग पता नहीं कब डरेगा। इसीलिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच मुझे मेरी चीज़ों में इतना शामिल होने के लिए, मेरी हर एक चीज़ को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आई लव यू ऑल एंड आई विल लव यू ऑलवेज। आपको भी हैप्पी राखी टू ऑल माई ब्रदर्स आउट देयर, जितने भी सारे के सारे भाई हैं, हैप्पी राखी। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, आई लव यू। और मैं व्लॉग्स बनाती रहूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ और व्लॉग्स बनाऊँ। बाय। और Q&A जल्दी आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी, Q&A आएगा, उसके लिए एक्साइटेड रहो। सबका नाम लूँगी मैं, सबका, जितने भी मेरे वो हैं प्यारे प्यारे से फॉलोअर्स। आई लव यू ऑल।